भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की संभावना कम, सूत्रों के हवाले से खबर। बुधवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर हो सकती है बात, राहुल के नाम पर सस्पेंस बरकरार। झारखंड कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, राहुल गांधी हो पार्टी अध्यक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, राहुल गांधी ही बताएंगे वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। राहुल गांधी पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का तंज, कहा अध्यक्ष पद का चुनाव है, क्या पता यात्रा छोड़नी पड़े। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मोरबी में किया रोड शो, विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे। राजकोट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम देश का चेहरा और भाग्य बदलने के लिए राजनीति में आए। जेपी नड्डा ने नमो किसान पंचायत के लिए ई बाइक को दिखाई हरी झंडी, 1400 से ज्यादा गांवों में बीजेपी करेगी नमो किसान पंचायत। गुजरात के बीजेपी मेयर्स में पीएम मोदी का बयान, विकास को लेकर लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। वडोदरा में केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे, एयरपोर्ट से केजरीवाल के बाहर निकलते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, अहमदाबाद में पुलिस अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप। गुजरात चुनाव पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कांग्रेस सरकार बनने पर पुरानी पेंशन की जाएगी लागू, बीजेपी ने पेंशन खत्म कर धोखा दिया। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, ईरान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं, कुरान में जिक्र होने से हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी दलील। हिजाब के समर्थन में जेडीएस नेता इब्राहिम का बयान, कहा इंदिरा गांधी भी सिर पर पल्लू लेती थी, वो भी एक तरह से हिजाब ही था। स्कूल सिलेबस में गीता को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान, कुरान धार्मिक पुस्तक गीता नहीं। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा रचेगी इतिहास, पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र, सीएम योगी ने महिला विधायकों को लिखा पत्र। विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा जब भी एसपी की सरकार बनी यूपी का नुकसान हुआ। सीएम योगी ने कहा गलत बयानबाजी से बचे विपक्ष, समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है यूपी का विकास। सीएम नीतीश कुमार का बयान, प्रदेश के लिए विशेष पैकेज पर सेंटर से नहीं मिल रहा समर्थन। फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को सीएम नीतीश ने किया खारिज, कहा सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने का मकसद। उद्धव ठाकरे गुट का बयान, हम शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करके रहेंगे, इजाजत मिले या फिर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, सूत्रों की खबर। बीजेपी आलाकमान ने सीएम धामी से मांगी मंत्रियों और विधायकों की रिपोर्ट। गोवा में यूरी अलेमाओ बने कांग्रेस के विधायक दल के नेता, सोनिया गांधी ने की नियुक्ति। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का हमला, कहा युवाओं में जहर घोल रही है पीडीपी अध्यक्ष, स्कूल में गांधी जी पर भजन का किया था विरोध। सीएम भगवंत मान को विमान से उतारे जाने के विवाद पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मामले की जांच कराएंगे। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे ने बनाई 6 मंत्रियों की कमेटी, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण पाटिल, गिरीश महाजन, दादा भूसे, शंभूराज देसाई और उदय सामंत शामिल। गायों की मौत पर जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, लंबी बीमारी के मुद्दे पर विधानसभा कूच, गहलोत सरकार पर लापरवाही का आरोप। जयपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए, बैरिकेड से सतीश पुनिया को धक्का मारकर पुलिस ने नीचे गिराया। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देश के 8 आईआईटी संस्थानों में नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति, प्रेसिडेंट मुर्मू ने दी मंजूरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने मिस्र के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई बात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को धमकी भरा पत्र मिला, पश्चिम बंगाल के वर्धमान से भेजा गया लेटर, खुद को टीएमसी का नेता बताया। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने आप पर लगाए नए आरोप, पार्टी पर अपने उम्मीदवार को ठेका देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, 1 नवंबर से होगी धान की खरीद। सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना परोसा गया, वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू। सहारनपुर वीडियो पर केंद्रीय खेल मंत्री ने जताई नाराजगी, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। यूपी सरकार ने खिलाड़ियों की हाइजीन को लेकर लिया एक्शन, सहारनपुर के आरएसओ अनिमेश सक्सेना को निलंबित किया। सहारनपुर मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा यूपी सरकार है असमर्थ, खिलाड़ियों के लिए सही इंतजाम भी नहीं कर पा रही है। कोलकाता में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और अनीस खान की हत्या पर जताया विरोध। कर्नाटक के शिमोगा में आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, तीसरे संदिग्ध की तलाश की जा रही है। अमरावती मर्डर केस में एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और 90 दिन का वक्त मिला। हिमाचल में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई, 2 सप्ताह में 1032 हेक्टेयर अवैध गांजा की खेती को नष्ट किया। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक जताने वाले शख्स की याचिका खारिज, परिसर में पूजा करने की मांग पर 19 अक्टूबर को होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी मर्डर रेप केस में पुलिस को 4 आरोपियों की 14 घंटे की रिमांड मिली। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, एंटीएचआईवी दवाइयों की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। बंगाल एसएससी घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ आरोप पत्र, 6 कंपनियों के नाम भी शामिल। एसएससी घोटाले पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, सीबीआई और ईडी सही दिशा में कर रही है काम। अरमान कोहली को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, 1 साल बाद होगी रिहाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कानून मंत्रालय को पत्र, सियासी दलों के नकद चंदे की लिमिट तय करने को लेकर लिखी चिट्ठी। बंगले में अवैध निर्माण पर नारायण राणे की याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया, 2 हफ्ते में अवैध निर्माण तोड़ सकती है बीएमसी।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में खुलासा, ब्लैकमेल करके लड़की से बनवाया गया वीडियो, रंकज और सनी ने लड़की को किया ब्लैकमेल। आरोपी लड़कों को मुंबई गुजरात से आई कॉल, सही जवाब नहीं दे पाए आरोपी, कॉल डिटेल और कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में आरोपी रंकज का परिवार आया सामने, कहा गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे में लड़कियों के टॉयलेट में ताकझांक करने वाला युवक गिरफ्तार, आरोपी आईआईटी की कैंटीन में करता है काम। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल की जांच की गई, पुलिस ने कहा कोई वीडियो बनाए जाने के सबूत नहीं मिले। 32 साल बाद कश्मीर में लौटी सिनेमा की रौनक, एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। मल्टीप्लेक्स के उद्घाटन के बाद बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये ही बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बनाए गए विशिष्ट अतिथि, कहा कश्मीर में एक नई यात्रा की शुरुआत। कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खोलने पर भड़के ओवैसी, कहा सरकार पहले जामा मस्जिद खोले, हर शुक्रवार बंद रहती है मस्जिद। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत, 9 घायल, सीएम योगी ने नोएडा हादसे पर जताया दुख। नोएडा हादसे में गिरफ्तार दूसरे की तलाश जारी, मृतकों के घर वालों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर बवाल, छात्र ने की आत्मदाह करने की कोशिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान, पराली को खाद में बदलने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करेंगे। भोपाल में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार कार ने 4 पुलिस वालों को कुचला, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आकाशीय बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हो गए। आसनसोल में 5 साल के लापता मासूम का शव बरामद, बैग में क्षत विक्षत हालत में मिला, लोगों ने मकान में तोड़फोड़ और आगजनी की। आसनसोल पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, बच्चे की हत्या को लेकर की जा रही है पूछताछ। केरल में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की साजिश में था शामिल, अब तक 27 गिरफ्तार। जौहर यूनिवर्सिटी पर पुलिस की रेड, यूनिवर्सिटी में एक कमरे से चोरी की 10,000 किताबें बरामद। नागौर गैंगवार की बम्बिया गैंग के कौशल चौधरी ने ली जिम्मेदारी, एसओजी की टीम हरियाणा रवाना। कर्नाटक के गृहमंत्री का बयान, इस साल 5,000 पुलिस कांस्टेबल्स की होगी भर्ती। हैदराबाद में जारी नोट के साथ एक गिरफ्तार, 3 लाख कीमत के नकली नोट बरामद। अमेठी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या की, बाद में फांसी लगाकर किया सुसाइड, पुलिस ने शुरू की जांच। असम के गोलाघाट में पशु तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने पकड़ा 47 गोवंश से भरा ट्रक, पैक ट्रक में दम घुटने से सभी जानवरों की मौत। अंबाला में ड्रग्स तस्कर प्रवीण कुमार पर शिकंजा, एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक ड्रग तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, 1.25 करोड़ कीमत के हेरोइन बरामद। सहारनपुर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग 344 पर बने पुल से 4,000 नटबोल्ट चोरी। इंदौर में नवरात्र की तैयारियां शुरू, मां दुर्गा की प्रतिमा की जा रही है तैयारी। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ की पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछी। अलीगढ़ में बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों को आने जाने में हुई मुश्किल। आगरा में बंदरों का आतंक, ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला टूरिस्ट पर किया अटैक, महिला के पैर में काट लिया। देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा मरीज रिकवर। ओडिशा में कोरोना के 164 नए मरीज मिले, संक्रमितों में 43 बच्चे भी शामिल। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने स्कूल को बनाया निशाना, 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। यूक्रेन के सैनिकों के शव खार्कीव में बरामद, यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने शव बरामद किए। यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क लुहांस्क को रूस का हिस्सा बनने के लिए होगी वोटिंग। भारत ने श्रीलंका को इस साल लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की। विश्व बैंक ने पंजाब को 150 मिलियन डॉलर के लोन की दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले 5 साल में 1 अरब डॉलर यूपीआई से लेन देन का लक्ष्य। देश में तेजी से डिजिटल को अपना रहे हैं लोग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसा मजबूत हुआ, 1 डॉलर की कीमत 79.75 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 578 और निफ्टी में 194 अंकों की उछाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रियंका चोपड़ा का संबोधन, बच्चों के अधिकारों की बात। ऑस्कर 2023 में जाएगी गुजराती फिल्म छेलो शो, गुजरात सरकार ने दी जानकारी। भोपाल में अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का विरोध, भगवान चित्रगुप्त पर दर्शाए सीन्स को हटाने की मांग की। और 4 अक्टूबर को अली फजल और ऋचा चड्ढा रचाएंगे शादी, मुंबई में लेंगे 7 फेरे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।